समुद्र की लहरें तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है यह लहरें क्यों आती है? आइए जानते हैं इसका रहस्य। हर एक चीज को अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिससे सभी चीजें एक दूसरे को अपनी ओर खींचती रहती है। हमारी पृथ्वी चांद को खींचती है और चांद पृथ्वी को, और चांद पृथ्वी पर की सभी चीजों को भी अपनी ओर खींचता रहता है, यहाँ तक कि पानी को भी। इसलिए पृथ्वी के पॉइंट ए पर चांद की ओर बल लगता है, तब पानी चांद पर तो नहीं चला जाता, मगर पृथ्वी की सतह पर ही पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर खींचाता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप लहरें बनती है। लेकिन आप कहोगे, तालाब में लहरें क्यों नहीं आती? क्या तालाब पर चांद का बल नहीं लगता? जी नहीं, तालाब पर भी चांद का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन तालाब बहुत छोटे होते हैं, इसलिए बड़ी लहरें नहीं बन पाती। वैसे तालाब में भी लहरें तो आती ही है, लेकिन इतनी छोटी होती है कि हमें इसका पता ही नहीं चलता। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए, यह बिल्कुल फ्री है।